खेल रहा था हैदराबाद से कन्याकुमारी भेज दी बॉल को पीछे सेट और डाउन द लाइन जा रहे थे बड़े खूबसूरती से वहां पे अवॉइड किया अपने आप को बचाया फर्नांडो गोंसालेस ने प्रशांत की सर्व एरन कोबी लाल सुजान जेरो पेने एक बार फिर से टच आउट की मांग कोई पहले से इरादा बनाया हुआ था कि टच आउट मारेंगे इस कारण से हाई सेट मिलते ही ऊपर से मारने की कोशिश लेकिन अखिन का हाथ अटैक करने के बजाय उन्होंने हाथ अटैक किया नवीन राजा का जो कि काफी नीचे कंधे हैं कद से कम 3 इंच का फर्क है दोनों में जी हाँ नवीन राजा 6'2" के करीब है अखिन 6'7" अजीत लाल ने जीता पहला पॉइंट कैलिकट हीरोज के लिए इस सेट में इस बार पावर ने इस बार चतुराई दिखाई बॉल में पावर दिया ही नहीं पुश किया बस अखिन को समझ में नहीं आया कोहनी पे लगी बॉल इस कारण से कंट्रोल करना मुमकिन नहीं क्योंकि बॉल तब जब तक रिएक्ट करते थे बॉल नीचे पहुंच गई थी एक और अच्छी माफी मांगी एक और अच्छी बात थी कि एंटीना के पार से मारी थी तो इसलिए गति उन्होंने कम की एंगल की ताक में फिलहाल पिनम्मा प्रसाद नवीन राजा चलिए अब रॉकस्टार राजा भी शामिल हो गए सेलिब्रेशन में क्यों ना हो इतना बेहतरीन अटैक किया डबल ब्लॉक के खिलाफ ये देखिए जंप बेहतरीन मौजूद है ब्लॉक लेकिन कंट्रोल करने का मौका नहीं एरन कोबी और डेविड ली दोनों ही कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाए टच आउट पॉइंट 4-1 की बढ़त चेन्नई के पास सेट लाल सुजन का कोबी के लिए जी हाँ सेकंड रेफरी ने टच आउट का संकेत दिया परवीन कोकर सहमत उनके निर्णय से इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था क्योंकि बॉल साफ दिखी थी डिफ्लेक्शन वहां पे एरन कोबी ने देख लिया था कि अखिन आ रहे हैं और जो लंबे खिलाड़ी हैं उनको टच आउट लेना है तो लंबे खिलाड़ी के हाथ पे मारे और पहली की सर्व कनकराज रिसेप्शन बहुत ही सवालजनक कोबी ने बाकी काम खत्म किया ये है खतरनाक स्पिन डेविड ली का पावर नहीं होता है इसमें लेकिन बॉल साइडवेज घूमती है उसको कंट्रोल करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रामनाथन कोबी को तो सिर्फ टैप करने की जरूरत थी और चतुराई दिखाए हाथ हाथ ऊपर नहीं किया कई बार अटैकर्स कर देते हैं कि नेट के ऊपर से उसी तरफ बॉल मार देते हैं तो बॉल जब इतना चकराए तो विपक्षी टीम का दिल डूबा जाए कनकराज एक बार फिर से प्रशांत फर्नांडो गोंसालेस अंत में एक कैलिकट हीरोज को पहले लगा था कि शायद टच आउट है लेकिन हर तरफ से फैसला यही आया कि टच नहीं बहुत तेज हिट और बाहर जाकर गिरी बॉल जरोम ने तुरंत कहा टच नहीं है और उनसे सहमत थे रेफरी प्रवीण खोकर फॉर ऑल डेविड ली सर्विस जारी रखेंगे डेविड ली की एक और सर्व फिर से कनकराज मुश्किल में सेट करना पड़ा है अखिन को फर्नांडो के लिए लेफ्ट हैंड से पुरस्कार दे दीजिए अखिन का कौन सा अवार्ड देंगे फिल्मफेयर तो बनता है पुश उनका जबरदस्त बाएं हाथ से ताकि और सब महसूस कर रहे हैं कि अजीत लाल का जो डिफेंसिव प्ले है वो थोड़ा सा कमजोर है इस कारण से सर्व जब बैकवर्ड रोटेशन में होते हैं तो सर्व भी उनको करते हैं और अटैक पॉइंट भी वही है तो फिर इनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कैलिकट हीरोज एक्सपोज क्यों कर रहे हैं देखिए फिर से अजीत लाल की हो रही लाल सुजान शॉट से मुझी मुस्तैद रहे बेहतरीन फिनिश और जितनी तारीफ की जाए एमबी लाल सुजन की सर्विसेज के खिलाड़ी जिस तरह से बॉल को रोटेट कर रहे हैं वाकई काबिले तारीफ
कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से, क्योंकि मुझे इनको खुली जगह पे जब आप बॉल देंगे तो किल करेंगे ही करेंगे। जेचेरोन हाय 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 हाय, ये है जेचेरोन का कमाल। अभी तो कौन कौन की रफ्तार पकड़ी थी सर्व में, किसे कहते हैं खतरनाक सर्विस। डिफेंस के लिए मौका ही नहीं था, पावर और प्रसिशन, कोर्ट के अंदर लैंड कर रही और टच हो गया। बहुत भाग्यशाली रहे वरना दो पॉइंट जाते। और सेलिब्रेशन की घड़ी टिकती हुई कैलिकट हीरोज के डगआउट में। बड़ा दाज किए, पिछड़ रहे थे पहले इस सेट में, इस बार लूपिंग सर्व। जेरोम की बिनम्मा का बैक सेट दूरो के लिए। अजीत लाल ने डाइव लगाई है, होल्डिंग को पार नहीं कर पाए जेरोम विनी। जगह बिल्कुल सही फैसला लिया कि डायगनल पे मारने का मौका दिया जाए ब्रूनो डी सिल्वा को, और जब उस डायगनल से मारते हैं ब्रूनो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सिक्स ऑन, देखिए फिर से एक्सपोज है अजीत लाल। अरे ये तो पकड़ ही नहीं बना पाए थे अपनी सर्व में, पीछे खड़े थे। अगर आप देखें तो बेस लाइन से मुश्किल से आधा मीटर अंदर खड़े हैं, वहां कहां रिसीव करेंगे वो सब। जो बॉल उन तक आएगी उसको छोड़ना ही है उसको, वो एक बेट दिया था। आरएफओ से फ्लाइट में थोड़ी तकलीफ हुई, जंप थोड़ा मिसटाइम था। दोनों ओर के समर्थक पूरी तरह से अपने टीम के हौसला अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये वो स्पेशल इनवाइटीज हैं जो कि आ सकते हैं स्टेडियम में। क्या वैसे तो बबल है खिलाड़ियों के लिए। रमनाथन गलती कर बैठे थे रिसेप्शन में, पर अभी भी हाइड्रोजन बॉय के लिए बैक सेट आया। टच की मांग नहीं दी गई है, नहीं दी गई है। पहले पर ही कोकर की ओर देखा, उन्होंने बोला नहीं। फिर निरंजन नायक की ओर देखा, तब भी इनके हर मांग को नकारा निरंजन नायक ने। और अंत में माइजोस वन बैक द वॉलीबॉल 1972 में मैग्नावॉक्स 19। जी हाँ, वीडियो गेम्स तो हैं बड़े मशहूर, लेकिन अभी समय आ गया है असली वॉलीबॉल पर नजर रखने का, जहां पर एक कड़क मुकाबला चल रहा है दो कड़े प्रतिद्वंदी के बीच। और फर्नांडो गोंजालेस की सर्व वो भी का पुश मजबूरन। बिन्नमा प्रशांत पहला पॉइंट टेक्निकल टाइम आउट के बाद धीम की ओर आया है। कैलिकट हीरोज के खेमे में काफी खलबली मचती हुई दिख रही है। पुश किया था बिल्कुल कोने में, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि आसान बॉल बिल्कुल बीचों बीच मिल गई। उसको किल करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं। डेविड ली भी ऑफ कॉट है, अजीत लाल भी ऑफ कॉट है। फर्नांडो गोंजालेस डिजर्व, वो भी जेट जेरोम। कनक राज ने कमाल की डिफेंडिंग दिखाई है। शॉर्ट सेट अमीर राजा, अरे मुजीब सीमेंट से बने हुए हैं क्या, क्या दीवार बनाई। आखिर हैदराबाद में है तो गोलकोंडा किले की दीवार नहीं भूल सकते। बहुत ही जबरदस्त दाफा न्यूज सुपर ब्लॉक, बिल्कुल वहीं पे गिराया, दूरी थी नहीं। हाथ से लग के जब बॉल नीचे जाती है ऐसा लगता है पत्थर गिरा रहे हो। मुझे भी अब बेस लाइन पर डेविड ली वापस आ चुके हैं। नवीन राजा कंडे जेरोमनी तैयार थे, लाल सुजान किसको हाथ आया पॉइंट चेन्नई ब्लिंस के, प्रयास किया था अंसब ने लेकिन सफलता नहीं मिली। लेफ्ट हैंडेड स्पाइकर हैं वो अंसब, और विघ्नेश राज, माफ कीजिएगा विघ्नेश राज, युवा खिलाड़ियों में से एक, और डाउन द लाइन जाने की कोशिश की लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, जगह थी वहां पे, शॉट तो बनता था, बेटर कंट्रोल की जरूरत। लाल सुजन को भी अब थोड़ा विश्राम नहीं कर ली हो चेन्नई ब्लिंस ने, क्या कमाल का प्रदर्शन था पिछली बार उनका। जितिन का पहला सेट है विघ्नेश के लिए, दिशाहीन
वहां पर विघ्नेश का कॉम्बिनेशन बनता दिख ही नहीं रहा है कैलिकट हीरोज के लिए। पहला जंप फेक किया लेकिन जिग्नेश पुश कर रहे हैं और पुश भी आउट किया। उम्मीद कर रहे थे कि टच आउट ले लेंगे पिंडमा प्रशांत से लेकिन टच की कोई गुंजाइश नहीं। बेहद खुश यहाँ पे चंदर सिंह क्योंकि उनकी टीम के पास अब तीन पॉइंट की बढ़त हो गई है। मोहित भीम सहरावत टिक किया विघ्नेश ने सेट जितिन का जेरोम ने आग लगा दी बॉल पर और अटैक किसको किया ब्रूनो डा सिल्वा को। स्पीड फिट सुपर स्पाइक पर कामयाब नहीं हुए बॉल को कोर्ट में रखने में और महसूस कर रहे हैं कि ये गलती उनसे हुई कि बॉल ग्लांस होकर हाथ से पीछे गई। नवीन राजा को थोड़ी मुश्किल हुई थी उस सर्व पर लेकिन हाथ में कोई मुश्किल नहीं हुई उस स्पाइक के समय। ये रॉकस्टार राजा का कमाल। चेन्नई के लिए पूरी तरह से तैयार थे सिंगल ब्लॉक में कहां पकड़ पाएंगे आप रॉकस्टार राजा जैसे स्पाइकर को जो कि एंगल्स ढूंढने में काफी कामयाब है। और अब क्रेट सुपर पॉइंट लिया है कैलिकट ने। चेन्नई ने तो फोरफीट कर दिया क्योंकि उनके 11 से ज्यादा पॉइंट हो गए हैं। अब कैलिकट हीरोज ने दाव खेला है यहाँ। जी हाँ मजबूरन खेलना भी पड़ा है। क्रेट सुपर पॉइंट दो पॉइंट के लिए अब लड़ाई पिन्नम्मा प्रशांत के सर्व पर और एक और बार अपोलो 24/7 सुपर सर्व सुपर सर्व हो सुपर पॉइंट पर नियम है कि पॉइंट तो दो ही मिलेंगे और कैलिकट हीरोज का सुपर क्रेट सुपर पॉइंट भी गया। फ्लोटर जाने दिया लेकिन बॉल लैंड किया कम से कम 1.5-2 फुट अंदर और इस बार गलती साफ जेरोम विनीत की। दूसरी बार हुआ है ये है पॉइंट टेबल में स्थिति। उनका चेन्नई का पांचवा है वो सेमीफाइनल रेस से तो बाहर है लेकिन दूसरी टीमों की जैसे अतीश ने शुरू में ही कहा और अब पिन्नम्मा प्रशांत की एक और सर्व एरन कोबी ने इस बार सर्व ले ली थी रिसीव की डबल टच डेविड ली का और सेट जीता एक बार फिर से चेन्नई ब्लिट्स ने।